अभी अभी मौसम विभाग की तरफ से सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, तो चलिए दोस्तों इस खबर के हम विस्तार से जानेंगे। जानने से पहले आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बगल वाला बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज का मौसम, देश के कई राज्यों में कोहरे का असर, दिल्ली में हो सकती है आज बारिश। देश के कई राज्यों में ठंड के चलते कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। पूर्वी यूपी, पंजाब, राजस्थान, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा के कई इलाका में कोहरे का असर जाहिर की गई है। आईएमडी के अनुसार मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य महाराष्ट्र, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के कुछ इलाका में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आशंका जाहिर की है कि उत्तराखंड और पंजाब के कुछ इलाका में ओलावृष्टि भी हो सकती है। वही मुंबई और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में शुक्रवार को हल्की बारिश हुई तथा उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश के छोड़कर अन्य राज्यों में तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश में शीतलहर के कारण तापमान में कुछ कमी दर्ज की गई। अरब सागर और उसके दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के ऊपर बने हवा के कम दबाव के क्षेत्र के कारण मुंबई और आसपास के इलाका में तथा पश्चिम मध्य प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों और भोपाल में हल्की बारिश हुई। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से अधिक था। मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि सोमवार तक न्यूनतम तापमान गिरकर 8 डिग्री सेल्सियस हो जाने की संभावना है। आईएमडी ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार को हल्की बारिश होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में शीतलहर के कारण न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से कुछ डिग्री कम दर्ज किया गया है। लाहौर स्पीति के प्रशासनिक केंद्र केलंग में तापमान 0 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जो राज्यों में सबसे ठंडा स्थान रहा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में शनिवार को बारिश और बर्फबारी हो सकती है। कश्मीर के गुलमर्ग और पहलगाम में शुक्रवार रात तापमान 0 से नीचे दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी होने का अनुमान है। पंजाब और हरियाणा में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहा और चंडीगढ़ में 10 डिग्री सेल्सियस रहा। राजस्थान में भी रात्रि का तापमान अधिक रहा और कई स्थानों पर बादल छाई रही। उदयपुर, जयपुर, कोटा और बीकानेर के कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हुई। उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाया रही। राज्य में सर्वाधिक तापमान झांसी में 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।